सितारे आसमान में टिमटिमाते हुए छोटे छोटे बिंदु, लेकिन इनके इस रूप से आप धोखा मत खाना। सितारे असल में छोटे छोटे बिंदु नहीं होते हैं। हमारा सूरज एक सितारा है, यानी वो छोटे छोटे बिंदु जो हमें रात के आसमान में दिखते हैं वो भी हमारे सूरज जितने या इससे भी कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण वो हमें इतने छोटे छोटे दिखते हैं। सितारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स यानी खगोलीय वस्तु होते हैं जिनकी अपनी चमक होती है। वेल, ये बातें तो आपको अपने स्कूल के दिनों से ही पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं सितारे ही इस विशालकाय ब्रह्मांड में प्रकाश के मुख्य स्रोत होते हैं। जी हाँ, ब्रह्मांड में आप जहाँ कहीं भी देख लो, रोशनी उत्पन्न करने वाली सारी ऑब्जेक्ट्स सितारों से ही कनेक्टेड होती है। चाहे वो सुपरनोवा हो या क्वेजार, गैलेक्सी हो या स्टार क्लस्टर, सबके सब सितारों से ही कनेक्टेड होते हैं। तारों का ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तारे जैसे कि हमारा सूरज, ये हमें केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि हम सब बने भी ऐसे ही किसी तारे के गर्भ से है। तारों का हमारे प्राचीन इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये रात के आसमान का शोभा बढ़ाने के साथ साथ हमारे पूर्वजों को दिशा बताने, समय बताने तथा भविष्य का अनुमान लगाने में सहायता करता रहा है। तारों की पढ़ाई प्राचीन समय से ही चली आ रही है, लेकिन जब से पावरफुल टेलीस्कोप्स का आविष्कार हुआ, हमारी दुनिया देखने का नजरिया बदलने लगा। हमें तारों के बारे में कई सारे बातें मालूम पड़ी। हमने कई अलग अलग प्रकार के तारों को खोजा। कुछ तारों की चमक बहुत धीमी तो कुछ तारे बहुत विशालकाय और बेहद चमकीले थे। शुरुआत में तो हमें लगता था कि आसमान के सभी तारे हमारे सूरज जितने ही बड़े होंगे, परंतु ये प्रकृति बार बार हमारे अनुमानों को गलत ठहराती आई है। हमने पाया कि तारे कई भिन्न प्रकार के होते हैं। हमने एक विशालकाय तारे की भी खोज की जो इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 3 अरब 69 करोड़ सूरज समा सकती है। और वहीं एक ऐसा तारा भी हमें अंतरिक्ष में मिला जो आपका दिमाग चकरा देगा। ये आकार में तो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन ये सितारा ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा चमकीला और सबसे भारी सितारा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसी तारे के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। इस विशालकाय ब्रह्मांड में अरबों खरबों सितारे हैं। हम कई सेंचुरीज से आसमान में इन सितारों की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम दूर के सितारों की उतनी ही अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। हमारे इस वीडियो में हमने जाना था एक ऐसे तारे के बारे में जो हमसे करीब 14 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। पर इसकी खास बात क्या थी? वेल, हमने 14 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद उस इंडिविजुअल स्टार को हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए देखा था। परंतु कैसे, जानने के लिए ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। साल 1960 में एस्ट्रोनॉमर्स का एक दल रेडक्लिफ ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहा था। इनका काम था लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड यानी LMC, जो कि हमारी मिल्की वे का एक सैटेलाइट गैलेक्सी है, की पढ़ाई करना। वहां उन्होंने LMC के एक नेबुला, टेरेंटुला नेबुला के केंद्रीय सितारे RMC 136 यानी रेडक्लिफ ऑब्जर्वेटरी मैग्नेटिक क्लाउड कैटलॉग नंबर 136 को देखा। ये बहुत ही ज्यादा चमकीला था और इस वजह से ऑब्जर्वर्स ने कहा कि RMC 136 एक मल्टीपल स्टार सिस्टम है। साल 1979 में ISO यानी यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी में लगे 3.6 मीटर टेलीस्कोप के मदद से RMC 136, जिसका नया नाम था R136, को देखा गया। इसे देखने के बाद ये बताया गया कि R136 तीन सितारों का समूह है, R136A, R136B और R136C। लेकिन हमारी गणना हमें गलत दिखा रही थी, क्योंकि इस स्टार सिस्टम से जो रोशनी आ रही थी वो तीन तारों के समूह से कहीं ज्यादा था। यानी ये केवल तीन सितारों का समूह हो ही नहीं सकता था, बल्कि कैलकुलेशंस हमें ये बता रहे थे कि R136 असल में एक बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर है। और फिर साल 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद इसमें लगे वाइट फील्ड एंड प्लैनेटरी कैमरा यानी WFPC की मदद से R136A को देखा गया। R136A भी एक अलग सितारों का समूह यानी स्टार क्लस्टर था, जिसमें 200 से ज्यादा हाईली ल्यूमिनस यानी बहुत ही चमकीले सितारे थे। यानी R136 में देखे गए R136A, R136B तथा R136C तीनों अलग अलग स्टार क्लस्टर्स थे। जब साल 1993 में हबल में लगे WFPC को हटाकर और एडवांस WFPC 2 यानी वाइट फील्ड एंड प्लैनेटरी कैमरा 2 को लगाया गया, तब हम R136A को और अच्छे से पढ़ पाए और हमने इसके अंदर बसे 46 मैसिव ल्यूमिनस सितारों की अच्छे से पढ़ाई की। हमारी दिलचस्पी R136A में ज्यादा इसलिए थी क्योंकि ये बाकियों से कहीं ज्यादा चमकीला था, और इस चमक की वजह थी इसमें मौजूद अधिक संख्या में चमकीले सितारे, और उन्हीं सितारों में से एक था R136A1। R136A1 एक वुल्फराइट स्टार यानी WR स्टार है। इस किस्म के तारे बहुत ही रेयर होते हैं, पर क्यों? क्योंकि इनकी चमक बहुत ही अधिक होती है। R136A1 सबसे गर्म तारों में से एक है।
इसका सरफेस टेम्परेचर करीब 49,726 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारे सूरज से करीब 10 गुना ज्यादा गर्म है। और ये एक ओ क्लास स्टार है। तारों को उनकी गर्मी, चमक तथा भार के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इसे हम कहते हैं स्टेलर क्लासिफिकेशन। वर्तमान में तारों को मॉर्गन कीनन सिस्टम के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इस सिस्टम में अलग अलग श्रेणी के तारों को अलग अलग अल्फाबेट्स के जरिए 7 भागों में बांटा गया है, ओ बी ए एफ जी के और एम, जहां ओ क्लास में सबसे गर्म सितारे होते हैं और एम क्लास में सबसे ठंडे। प्रत्येक अल्फाबेटिकल क्लास को भी 10 न्यूमेरिक सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जहां 0 सबसे गर्म तथा 9 सबसे ठंडे को दर्शाती है। हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जो G2 क्लास में आता है। और वहीं R136A1 एक ओ टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जो कि O7 क्लास में आता है। ओ टाइप स्टार्स में ब्लू सुपरजाइंट सितारे आते हैं, जो कि एक्सट्रीमली ल्यूमिनस और बेहद गर्म होते हैं। ये तारे बहुत ही रेयर होते हैं। अगर अंतरिक्ष में ज्ञात सभी वर्गों की तारों की तुलना की जाए तो ओ क्लास के तारे मात्र 0.00003% ही होते हैं। इनका जीवन काल बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी रेडिएट करती है, और इस कारण इनमें मैस लॉस बहुत ही तेजी से होता है। R136A1 हमारा सूरज जितना अपने पूरे जीवन काल में मैस लॉस करेगी, उससे कई अरब गुना ज्यादा मैस केवल एक साल में ही लॉस करती है। जी हाँ, साल 2010 में जब R136A1 की बारीकी से पढ़ाई की जा रही थी, तब ये पता चला कि इस तारे की ल्यूमिनोसिटी स्केल में 87,10,000 है। ये आंकड़े इसे ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे चमकीला सितारा बता रहा था। ये तारा मात्र 4 सेकंड में इतनी ऊर्जा रेडिएट करती है, जितना हमारा सूरज पूरे एक साल में रेडिएट करता है। अगर इस तारे को हमारे सौर मंडल में सूरज से रिप्लेस कर दिया जाए, तो इसकी चमक इतनी होगी कि यहाँ धरती में सब अंधे हो जाएंगे, और इसकी गर्मी पूरी धरती को जलाकर राख कर देगी। परंतु R136A1 का सबसे खास बात है इसका मैस। ये सबसे चमकीला सितारा होने के साथ साथ सबसे मैसिव स्टार भी है। साल 2016 के ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि R136A1 का मैस 315 सोलर मैसेस के बराबर है, यानी हमारे सूरज के मैस का 315 गुना। युवा स्कूटी, जो आकार में ब्रह्मांड का ज्ञात सबसे बड़ा स्टार है, उसका मैस हमारे सूरज के मैस का महज 30 गुना है। युवा स्कूटी, जो कि R136A1 से भी 5 गुना बड़ा है आकार में, लेकिन अगर युवा स्कूटी और R136A1 को एक साथ रख दिया जाए तो युवा स्कूटी इसका चक्कर लगाने लगेगा। साइज में छोटे होने के बावजूद अधिक मैस होने का कारण है इसकी डेंसिटी। R136A1 का मैस इतना खास इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना मैसिव स्टार स्टेबल रह सकता है। R136A1 का मैस वैज्ञानिकों के सोचे गए सीमा के दोगुने से भी अधिक था। यानी ये तारा हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। R136A1 हमसे करीब 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर है और करीब 10 करोड़ साल पुराना है। इसने अब तक अपनी आधी जिंदगी जी ली है, और अब ये और 10 करोड़ साल ही ऐसे बना रहेगा, फिर इसका अंत एक ब्लैक होल के रूप में हो जाएगा। हमारा सूरज आकार और गर्मी में इससे काफी छोटा है, और इसलिए इसका जीवन काल भी इसकी तुलना में बेहद अधिक है। हमारे सूरज जैसे सितारे करीब 10 अरब साल तक जिंदा रहते हैं, लेकिन एक श्रेणी के सितारे हमारे सूरज से भी ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और सबसे भारी सितारे R136A1 के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।